जो ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पे कुछ मिल रहा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक मिल रहा है बस वहां से। वेलकम दोस्तों, मैं संजय नाग, आज हम आपको व्लॉग बताने वाले हैं हमारे जम्मू कश्मीर की बहुत ही पुरानी जगह कौनसा नाग में जाने वाले हैं, तो आपको बताएंगे वहां का व्यू, रास्ते का व्यू बताएंगे, कितनी कठिनाई से कितनी खतरनाक जगह से हम जाएंगे और रास्ते का व्यू दिखाएंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल के साथ, हमारे साथ बहुत ही बंदे जा रहे हैं, चलो मिलते हैं हम जाके। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं सुंगड़ी में और इसके बाद हम 12 किलोमीटर गाड़ी पे जाएंगे और गाड़ी के बाद हम पहुंचेंगे सिंगलीकोट में। सिंगलीकोट के बाद हम जाएंगे सरसोत और नाइट स्टे होगा सरसोत एंड पे, तो वहां से हम आपको मिलेंगे। अब गाड़ी पे मिलते हैं आपके साथ। गाइस हम पहुंच चुके हैं गाड़ी का सफ़र कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद हम जाएंगे आगे का व्यू दिखाएंगे हम सरसोत पे, रात को नाइट स्टे होगा सरसोत एंड पे, तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वहां का व्यू और वहां के वहां से हम कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं हम आपको आगे का व्लॉग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इस वक्त सरसोत में, इस वक्त बज रहे हैं रात के 5, तो हम इसके बाद हम रात का स्टे जो है यहीं पर करेंगे, तो इसके बाद हम कल सुबह आपसे मिलेंगे, कल सुबह हम यहां से निकलेंगे और कल नाइट स्टे करेंगे हम सरी में, सरी के बाद हम परसों सुबह निकलेंगे तो जाएंगे हम कौंसर नाग में। तो हम हमारे साथ बने रहिए, हम आगे का व्यू हम कल सुबह दिखाएँगे आपको। सो फाइनली गाइस, रात को सरसोत में स्टे करने के बाद सुबह तैयार होके, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम यहाँ से निकल रहे हैं अगले रास्ते के लिए। अब हम आपको रास्ते का व्यू दिखाएंगे और हमारे साथ जो जितने भी यात्रु हैं वो भी जा रहे हैं आगे। चलो आपको दिखाते हैं ये सरसोत, हम सरसोत से सुबह निकल चुके हैं, चलो मिलते हैं हम रास्ते। जो आप रास्ता देख सकते हो, यहाँ पे बारिश बहुत अभी लगी हुई थी लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। हमारे साथ की कृपा से, कौशल नाग की बाबा की कृपा से, अभी देखो एट प्रेजेंट कोई बारिश नहीं हो रही है। हाँ, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपको रास्ते में और दिखाएंगे आपको रास्ते का व्यू और पूरे रास्ते का पूरा मंजर दिखाएंगे, कैसे कैसे रास्तों से हम जाएंगे
पापा जी की कृपा रही तो हम आपको कौशलनाग हाँ हम अगर पहुँच के जल्दी पहुँच गए ऊपर तो हम आपको कल सुबह हम आपको कौशलनाग के दर्शन करवाएंगे। आप देख सकते हो रास्तों के दोनों तरफ दरख्तों की कतारों से लगे हुए हैं। देख सकते कितना घना जंगल है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। जातरू है, सारे जातरू आगे जा रहे हैं, देख सकते हो। बम 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 बोले बम बम बोले। जब से हम चल रहे हैं हमने दूसरा ब्रिज क्रॉस कर दिया है, ये देख सकते हो दूसरे ब्रिज से हम निकल चुके हैं। चलो हम आगे का व्यू दिखाएंगे आपको, चलो बन रही है हमारे साथ। पहुंच चुके हैं जगह का नाम बाली में पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से जाएंगे आगे, हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे हमने नाइट स्टे कहाँ पे करना है, हम आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर इधर से आगे। और यहाँ का ग्राउंड देख रहे हैं, 5 किलोमीटर बाद हम नाइट स्टे करेंगे। हाँ नॉर्मल 5 किलोमीटर के बाद हम यहाँ पे नाइट स्टे करेंगे, आपको दिखाते हैं अभी सामने। ये देख सकते हो सामने वाली जगह, यहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, करेंगे लंच वगैरह, लंच करेंगे वहीं से फोटो क्लिक कर। हाँ लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सामने वाली पहाड़ी में। ये देख सकते हो ये पीर पंजाल रेंज है ना, पीर पंजाल रेंज। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के बाद हम लंच वगैरह कर रहे हैं। लंच करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे, वो सामने पीछे वाला जितना भी पहाड़ दिख रहा है इस पहाड़ पे जाएंगे और हमारा नाइट स्टे वहीं पर होगा। हम जो सारे बंदे पीछे देख सकते हो आप, जितने भी बंदे पूरे लंच कर रहे हैं, हम जाएंगे लंच करेंगे आपके साथ, मिलेंगे हम आपके साथ, जाएंगे रास्ते का व्यू दिखाएंगे आपके साथ। तब तक बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। सो फाइनली गाइस हम खाना खा के रेडी हो चुके हैं और हम आगे के लिए सफ़र के लिए तैयार हो गए। चलो हम आगे आपको दिखाते हैं आगे का व्यू।
सो फाइनली गाइस हम जा रहे हैं जो ग्लेशियर बना हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा, इस ग्लेशियर के ऊपर जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे ग्लेशियर। सो फाइनली गाइस देख सकते हो ग्लेशियर कितना बड़ा ग्लेशियर है। ओ भाई बर्फ देख सकते हो आप, और बर्फ जहाँ पे इकट्ठी हुई है तो देख सकते हो पानी। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं जगह पे, हम बातचीत करते हैं यहाँ पे और किस तरीके का यहाँ पे कहाँ पे पहुंचे हैं, यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे बातचीत करते हैं अभी। चलो अभी पहुंचे हैं पथरी के नज़दीक और आज का जो हमारा विश्राम है वो पथरी पे होगा, उसके बाद सुबह हमें 4 बजे नेक्स्ट मार्च करनी होगी, उसके बाद जा करके हमें अपने सर पे पहुंचेंगे। सुबह हम चल के कितने बजे पहुंच सकते हैं हम सर पे? और 4 बजे से हमें जो विश्राम करना है तो यहाँ पथरी पे करना है, और कल हमें सुबह 4 बजे मार्च करनी है, 4 बजे मार्च करने के बाद हम 8 बजे पहुँचेंगे सर पे, और 4 घंटे का रास्ता यह पथरी से सर पे पहुँचेगा। और हमारे साथ यात्रु जो हैं कम से कम 25 आदमी हैं, और उनमें 2 जो हैं महिला हैं, बाकी सब जेंट्स हैं। गैस जहाँ पे 10 या 20 मीटर के बाहर दिख रहा नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और जब बुरी कंडीशन हो गई है हमारी, अभी हमारे जगटे भी लगाई, सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आपको नहीं दिखा सकते, दूर का जगह नज़ारा नहीं दिखा सकते, व्यू नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिल रहा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर तक मिल रहा है बस, वहाँ से मिलेंगे। सो गैस आप देख सकते हो अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ, पहले इतना मौसम गड़बड़ था कि हमें इधर से उधर नहीं देखने का कुछ मिल रहा नहीं था देख कर, तो अभी देख सकते हो जो सामने ये वाली जगह है यहाँ से हम अभी आए थे, और यहाँ से आगे हम आपको अच्छा लोग नहीं दिखा सके। चलो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू, हम नाइट स्टे करने वाले यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो आप कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, तो हम यहाँ से इस गली को क्रॉस करेंगे कल सुबह, तो जाएंगे हम कौनसरनाग। आप देख सकते हो यहाँ का व्यू भाई, हम पी रहे चाय, बहुत सर्दी है यहाँ पे, अब नाइट स्टे होगा यहाँ पर, बिस्तर वगैरह डाल लिया हमने, वो नाइट स्टे यहाँ पर होगा, तो हम मिलेंगे आपको कल सुबह, तब तक दो मुझे इजाज़त।